बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने अंदाज से ज़बरदस्ती करी पकौड़ा। इसकी रेसिपी तो सेम होती है पर सबका तरीका अलग अलग होता है, तो आइए फिर आज मैं आपको अपने तरीके से सिखाती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। हाँ जी, यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 kg दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, इसके साथ मैंने लिया 1 बड़ा प्याज बारीक काट लिया, और यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1 करी पत्ता, इसके साथ लास्ट में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब चलते हैं, एक पतीली में मैंने ऑयल डाल लिया और अब इसमें मैं प्याज डाल के इसे फ्राई करूंगी। थोड़ी तेज आंच में मैं इसे फ्राई करूंगी क्योंकि मुझे इसे ओवरकुक नहीं करना। थोड़ा सा लाइट गोल्डन होते ही मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। अच्छा, जितनी देर हमारे प्याज को टाइम लग रहा है उतनी देर हम यहाँ पे दही का और बेसन का मिक्सर बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg खट्टा दही। दही का खट्टा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर हमारी करी बहुत करारी बनेगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम बेसन। 1/2 kg के साथ 250 ग्राम बेसन ही लीजिएगा, और ये मैंने लिया है छान के, ठीक है। और अब इसे मैं एक बार मदानी से मिक्स कर लूँगी। ये मैं डाल के इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे, और इसमें फुल जग में पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं प्याज को लाइट गोल्डन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा और लाइट गोल्डन हो जाए, ये देखिए, और इसमें अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसकी अब फ्राई करेंगे। इसके साथ ही अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ थोड़ा सा 1/2 कप पानी ऐड करूंगी ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। हाँ जी, इसको मिक्स करूंगी एक बार। अब इसकी भुनाई की बारी है। इससे पहले मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ नमक, इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी कुटी लाल मिर्च, साथ ही मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और लास्ट में अजवाइन और करी पत्ता। करी पत्ता करी में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर इसमें अब मैं बेसन और दही का मिक्सचर ऐड करूंगी। ये लीजिए, साथ साथ इसे मैं मिक्स करती रहूंगी ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ी देर बाद ही हमारी करी पकने लग पड़ेगी। हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं हमारी करी काफ़ी थिक हो चुकी है। इसकी थिकनेस आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितनी थिक हो गई है, लेकिन इसे पकने में भी काफ़ी टाइम लगना है। थोड़ी देर बाद इसे हम दोबारा चेक करेंगे। हाँ जी, आप यहाँ देख सकते हैं अब करी में काफ़ी उबाल आने लग पड़े हैं। ये ऊपर की तरफ आ रही थी इसलिए मैं इसमें एक बार चम्मच हिला देती हूँ। और इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा कि करी आपकी नीचे को ना लगे, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ रही हूँ हल्की आंच में, ठीक है। मैं ये आंच हल्की कर देती हूँ और ऊपर से इसे कवर कर देती हूँ। अब हम इसे 10 मिनट के बाद देखेंगे। हाँ जी, करी हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट रेडी। इसे मैंने इतना पकाया है, देखिए आधी देच की रह चुकी है। अब इस पर लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। इसे भी मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके भी लम्स ना बन जाए। ये लीजिए, और अब मैं इसमें डालूंगी धनिया की गार्निशिंग। देखिए हमारी करी रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पालक। इसके साथ पहले आलू काट लिए बारीक,
और साथ मैंने लिया है 250 ग्राम बेसन, 2 टेबलस्पून अनारदाना साबुत, साथ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा और साथ मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इन सब चीज़ों को एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। आलू भी मैंने धो के रख लिए थे और पालक भी। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। बेसन भी मैं इसमें छान के ऐड करूँगी। इसके साथ ही मैंने प्याज भी बारीक कटा हुआ ऐड किया है। साथ मैंने जीरा ले लिया, अनारदाना साबुत, अनारदाना आप पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो, लेकिन मुझे अनारदाना साबुत बहुत पसंद है और ये पकौड़ों में बहुत मज़े का टेस्ट लाता है। इसके साथ ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करती हूँ। नमक आप हस्बे जायका लीजिएगा, क्योंकि करी में भी शामिल होता है और पकौड़ों में भी, इसमें मुनासिब लीजिएगा। और लास्ट में कुटी लाल मिर्च। हाँ जी, अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें पानी की मकदार मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि पालक आलू और प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना होता है, इसलिए इनको अच्छे से मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। ये लिए हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया ऑयल डाल के। इसमें मैं अब छोटे छोटे पकौड़े डालूंगी, किसी भी शेप में आप डाल सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं। अब थोड़े से लाइट गोल्डन होते ही इसे मैं टर्न कर देती हूँ। फ्लेम हल्का ही रखिएगा, क्योंकि इसके जलने का खतरा होता है। मैं इसे टर्न कर देती हूँ। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसे मैं डिश आउट करके करी में ऐड कर देती हूँ। हाँ जी, करी पकौड़ा हो चुकी है रेडी। लेकिन लास्ट स्टेप रहता है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है इसका तड़का, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। इसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है। इसे अच्छे से मैं गर्म कर लूँगी और इसमें अब मैं चुटकी कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये मैं डाल देती हूँ। हाँ जी, इसे अब मैं थोड़ी देर के लिए गर्म करती हूँ और उसके बाद इसका करी में तड़का लगा देंगे। ये गर्म हो चुका है, अब बारी है करी में तड़का लगाने की। हाँ जी, ये देखिए कितना खूबसूरत सा ही कलर लाएगा और टेस्ट भी लाता है करी में ये। कितनी खूबसूरत और मजे की लग रही है ना। लास्ट में मैं इसमें धनिया की गार्निशिंग कर दूंगी। लेकिन हमारी करीब एक चीज के बगैर खाई नहीं जाती, वो है हमारे वाइट राइस, जो कि मैंने करी के साथ बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करी पकौड़ा रेडी हो चुकी है। इसे आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, एक बार मेरे तरीके से भी ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये अमूमन घर में बनी जाती है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।